Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? This is New Syllabus Primary Mathematics Workbook 5B, Chapter Number 12, Worksheet Number 4, Page Number 86 पर Question Number 4 है हमारे पास. Find the unknown marked angles. आप देख सकते हो ये पूरा circle form हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर जो angles unknown है वो आपको find out करने हैं. लेकिन आपको बीच में एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है. ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री को 32 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए और नीचे वाले के अंदर 180 में से 58 माइनस कीजिए. एंगल पी और क्यू आपको आराम से पता चल जाएंगे, ठीक है. हम पहले यहाँ पर 180 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और नीचे हम 180 में से 58 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, दो स्ट्रेट लाइन्स नहीं है, वरना हम क्या करते कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को आराम से फाइंड आउट कर लेते, ठीक है. तो यहां हमने कैलकुलेट कर लिया है, एंगल पी हमारे पास 148 डिग्रीज है और एंगल क्यू हमारे पास 122 डिग्रीज है, ठीक है. अगर आप इन सबको सम करेंगे तो आपके पास 360 डिग्रीज आना चाहिए, जो कि हमारे पास आसानी से आ रहा है. उसके बाद आ जाओ एंगल क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर, जहां पर आपके पास कई लाइंस हैं, ए बी सी डी ई एफ, और ये सब की सब क्या है, स्ट्रेट लाइंस हैं. स्ट्रेट लाइंस आ जाएं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको खुद ब खुद याद आ जाना चाहिए. कम से कम दो स्ट्रेट लाइंस अगर मीट हो रही हैं किसी सेंटर पॉइंट पर तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे. अब ए बी लाइन है, इसके साथ सी डी लाइन है, ठीक है. तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये जो लाइंस है इसके बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एंगल डी और बी के बीच में हमारे पास 32 डिग्रीज है, तो इसका मतलब है एंगल्स ए और सी के बीच में भी 32 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. उसके बाद हम जाते हैं दूसरी तरफ, तो हमारे पास ये फॉर्म हो रही है एंगल ए बी के साथ सी डी, और एक और स्ट्रेट लाइन आ रही है ई एफ, तो ई एफ सी ई और एफ डी, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ऑपोजिट ये है, ठीक है. तो जब ये 50 डिग्रीज है तो ये भी 50 डिग्रीज होगा, ठीक है. जब हमें स्टूडेंट्स इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स पता चल गए तो एंगल एस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है. आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, एंगल 32 और एंगल 50, तो हम इसको निकाल लेते हैं. 50 प्लस 32 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 82. और जब इसी 82 को हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 98 डिग्रीज. इसका मतलब हो गया कि एंगल एस हमारे पास 98 डिग्रीज है, ठीक है. अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, यहां पर इन्होंने एक लाइन और बना दी है बीच में, लेकिन हमें ये पता है कि एंगल एस वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल ई बी के, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा 36 डिग्रीज और आर डिग्रीज का जो सम होगा, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 98 डिग्रीज आना चाहिए. तो हम आर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तरीका तो ये है कि आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों को ऐड करें और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लें. और दूसरा तरीका आसान है कि आपने सिंपली देख रहे हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट है 98 डिग्रीज के, तो आप 98 में से 36 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका एंगल आर आराम से निकल आएगा. जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 62 डिग्रीज. ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आर निकल आया है. स्टूडेंट्स आप इन सबको ऐड करके भी देख सकते हैं, आपके पास सम 180 डिग्रीज आ रहा है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 87 पार्ट सी के ऊपर. अब जरा कुछ गंभीर सी कहानी लग रही है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आसान हो जाएगा. एक स्ट्रेट लाइन पकड़ लो, उसके ऊपर देखो क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं. हमने ये स्ट्रेट लाइन पकड़ ली, इसके अंदर एक एंगल हमारे पास गिवन है एंगल 70 डिग्री. दो स्ट्रेट लाइंस हमें नजर नहीं आ रही कि कहीं भी मीट हो रही हो, नहीं बल्कि नजर आ रही हैं. ये लाइन सी डी और ए बी, इन्होंने हमें बताया भी है ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन्स, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे. ये आप देख सकते हैं, ये 35 डिग्रीज और यू मिलकर ये फॉर्म हो रहे हैं यहां पर. तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो बन रहा है एंगल ई एफ का, ये 90 डिग्रीज है, ठीक है. लेकिन इसके बीच में एक और लाइन है और उसके अंदर हमें आधा एंगल बताया कि 35 डिग्री से, तो बाकी कितना होगा, 90 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, आसानी से पता चल जाएगा वो हमारे पास 55 डिग्रीज है, यानी एंगल ई डी हमारे पास 55 डिग्रीज है. क्यों? क्योंकि ये डब्बा है और डब्बा हमेशा 90 डिग्रीज को डिनोट करता है, तो 55 और 35 मिलकर 90 डिग्रीज बन गए. जब हमें ये पूरा पता चल गया तो हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है
ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर तीन एंगल्स पता चल गए हैं, इन तीनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा 90 डिग्रीज है, 35 और 55, इसके अंदर 70 को ऐड किया, जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 160 डिग्रीज। इस 160 डिग्रीज को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, तो आपको एंगल यू पता चल जाएगा, एंगल यू हमारे पास आ रहा है सिर्फ 20 डिग्रीज। और जब ये सारे एंगल्स हमें पता चल गए ए बी लाइन के ऊपर, तो हम इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन सीधी है, अब इसके अंदर हमें दो एंगल्स पता चल गए हैं 35 और 20, तो एंगल टी निकालना भी कुछ मुश्किल नहीं है, एंगल टी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये जरा देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 35 और 20 मिलाकर कितने बनते हैं, 55 डिग्रीज बनते हैं, 55 डिग्रीज को 180 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा खुद ही कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये देखिए 125 डिग्रीज, ये एंगल टी हमारे पास 125 का है। ठीक है, तो जनाब हम यहां पर बता देंगे कि हमारे पास एंगल टी 125 डिग्रीज है और एंगल यू हमारे पास 20 डिग्रीज है। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये एंगल हमने छोड़ दिया लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर अगर एक एंगल 125 का है तो दूसरा एंगल कितना होगा 55 डिग्रीज का होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी अगर आपको फाइंड करना होता तो आप इस तरह से आसानी से बता सकते थे। आपने देखना ये है कि हमें क्या चीजें गिवन है, हम किस तरह से बाकी चीजें जो गिवन नहीं है उनको फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को आपने सामने रखना है, आपने 180 डिग्री के प्रॉपर्टी जो है उसको सामने रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स को सामने रखना है, आपने कंप्लीट एंगल्स के अंदर देखना है, तो आपने इन सब चीजों को ध्यान में रखना है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए आपके पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये देख सकते हैं आप, उसके बाद आपके पास एंगल बी ओ ई, बी ओ ई ये फाइन, ये आपके पास जो बन रहा है ये 20 डिग्रीज का है। ठीक है, एंगल ए ओ डी ये आपके पास 125 डिग्रीज का, एंगल ए ओ डी ये आपके पास बन रहा है 125 डिग्रीज का, ये पूरा एंगल है स्टूडेंट्स 125 डिग्रीज का, ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ ये 125 डिग्रीज का है बल्कि एंगल ए ओ डी 125 डिग्रीज का ये। ठीक है, उसके बाद आपको बताया एंगल डी ओ सी, डी ओ सी सिर्फ ये जो है आपके पास 55 डिग्रीज का है। ठीक है, ये 55 डिग्रीज का है और ये आपके पास पूरा ये 125 डिग्रीज का है। उसके बाद डी ओ सी ये आपके पास 55 डिग्रीज का होने के बाद फाइंड एंगल बी ओ सी एंड ए ओ ई, आपको कौन कौन से फाइंड आउट करने हैं, बी ओ सी यानी कि आपको ये वाला एंगल पूरा फाइंड करना है यहां से लेके यहां तक, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए ओ ई ये वाला पूरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल निकालना तो बहुत आसान है, आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल फाइंड करना है, 180 में से 20 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 160 डिग्रीज, ये आ गया एंगल ए ओ ई, आसानी से निकल आया हमारा, इसमें हमें कोई तगोदो नहीं करनी, स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल्स हैं, एक गिवन है, दूसरा आसानी से निकाल लोगे, कोई मसला नहीं है। यहां पर भी आ जाओ, यहां पर आपसे कह रहे हैं एंगल ए सी आपको नहीं पता लेकिन एंगल ए डी आपको पता है, ये पूरा 125 डिग्रीज है, तो बाकी कितना होगा, बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपने 125 और 55 को ऐड कर लेना है, जहां आप इन दोनों को ऐड करते हैं आपको पता चल जाता है ये दोनों एंगल्स आपके पास बन रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ये पूरा एंगल 125 डिग्रीज है तो इसको आपने सिर्फ 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 180 माइनस 125 करना है। ठीक है, ये 55 हमें क्यों दिया है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ, ये 55 को 125 के साथ ऐड नहीं करना। ठीक है, सिर्फ आपको 120 में से 125 सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये पूरा एंगल 125 है, इस चीज को ध्यान में रखना है, जैसे ही इस पूरे को आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको ये वाला एंगल डी ओ बी पता चल जाएगा। ठीक है, आपने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता चल गया कि आपके पास 55 डिग्रीज आ रहा है, यानी ये आपके पास एंगल 55 डिग्रीज का है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आती है। उसके बाद आपसे कहा क्या है कि आपको एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, यानी बी ओ सी इन दोनों को ऐड करके जो एंगल आ रहा है वो आपको फाइंड करना है, 55 प्लस 55 दैट इज 110 डिग्रीज, यानी हमारे पास एंगल बी ओ सी 110
10 डिग्रीज का है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर तो 125, 55 और 55 को ऐड कर रहे हैं तो ये तो 180 से कहीं ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो बच्चों ये 125 डिग्रीज नहीं है एंगल एओसी, ये एंगल आपके पास 125 माइनस 55 दैट इज सिर्फ 70 डिग्रीज है। अब इन तीनों को प्लस करो, 70 प्लस 55 125, 125 प्लस 55 180 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर इन तीनों को अलग अलग करती हूं मैं तो ये 70 डिग्रीज का, ये 55 डिग्रीज का और ये 55 डिग्रीज का है। अगर इन दोनों को ऐड करती हूं एंगल एओसी और सीओडी को, यानी एंगल एओडी वो मेरे पास 125 डिग्रीज का है, और अगर इन दोनों एंगल्स को प्लस करती हूं सीओडी और डीओबी को तो ये दोनों एंगल्स 55 और 55 मिलकर मेरे पास 110 डिग्रीज बन रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपकी काफी क्वेरीज हल हो गई होंगी। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।